आपको मैं एक मिठाई बता रही हूँ, बिल्कुल मार्केट जैसी काजू कतली बनी हमारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पेशल तड़का में। आज हम बनाएंगे मूंगफली की बर्फी। मूंगफली की बर्फी बनाने के लिए हमने 2 कप मूंगफली ली है। एक पैन में हमने 2 कप मूंगफली डाल दी है। इसको हम 3-4 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। 2-3 मिनट हो चुकी है, हमने इसको रोस्ट कर लिया। अब इसका हम छिलका हटा लेंगे। मूंगफली का हमने छिलका अलग कर लिया है। अब इसको हम एक जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको एक साथ हमें नहीं पीसना है, इसको ऑन ऑफ करके पीसना है हमें इसको। मूंगफली को हमने पीस लिया है इस तरीके से। अब इसको हमें बाउल में निकाल लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। इसको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे मूंगफली के साथ। एक कढ़ाई में हम 1 कप पानी डाल रही हूँ। जितना हमें पानी लेना है उतने ही हमें चीनी डालनी है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। चीनी को हम मेल्ट होने देंगे। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हम मूंगफली का बुरादा डालेंगे। एक हाथ से हम डालते जाएंगे, एक हाथ से हम इस तरीके से चलाते रहेंगे इसको। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते रहेंगे और इस तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे। इस तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे, इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना हो। हम इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। इस तरीके से चलाते रहेंगे, इसमें सारे लम्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। मिक्सचर हमारा गाढ़ा भी हो गया है थोड़ा सा। इसको हम कंटिन्यू इसी तरह चलाते रहेंगे जब तक एक डो जैसा नहीं बन जाए। मिक्सर हमारा और गाढ़ा हो चुका है। इसमें हम 1 चम्मच इसमें घी ऐड करेंगे और इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। इसको भी हम मिक्स करेंगे। इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे इसको। मूंगफली की बर्फी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसको 1 मिनट तक हम इसी तरह चलाते रहेंगे। एक फॉइल पेपर लिया है, आप इसकी जगह बटर पेपर भी ले सकते हो। इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए स्पेशल तड़का यूट्यूब चैनल को नई और आसान कुकिंग वीडियो देखने के लिए। इसके ऊपर हम मूंगफली की बर्फी हमने फॉइल पेपर पर डाल दी। उसको हम इस तरीके से फैला लेंगे। हमने इस तरीके से इसको फैला लिया। अब इसके ऊपर हम चांदी का वर्क लगाएंगे। ऊपर हमने चांदी का वर्क लगा लिया। अब इसके हम इस तरीके से कट करेंगे।
आप इसको बर्फी शेप में भी कट कर सकते हो। हमने इसको इस शेप में कट कर लिया है। काजू कतली हमारी बनकर तैयार है।